नमस्कार दोस्तों, पोल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अमित नागपाल। आज का टॉपिक है गर्मियों में पोल्ट्री फार्म के फीड में क्या बदलाव किए जाएं कि मृत्यु दर काफी कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर्स हमसे ये जानकारी जानना चाह रहे थे। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमें गर्मियों में फीड कब हटाना है और कब शुरू करना है, और उसमें फीड की फार्मुलेशन में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो ब्रॉयलर फार्मर्स, लेयर फार्मर्स और हैचरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और पोल्ट्री फार्मर भी इससे फ़ायदा उठा सकें। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आती है इसको दबा दें, ताकि रोज के रेट आपको मिलते रहें। तो वीडियो के अंत में भी हम चार वीडियो, कई बार तीन वीडियो डिस्प्ले करते हैं, आप उनको भी देखिए, क्योंकि उनसे भी आपको जानकारी बहुत सारी मिलेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना कभी मत भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हम 15 दिन में चेंज कर देते हैं, और उसमें कई बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे और पोल्ट्री की बहुत सारी जो हलचल है वो भी आपको मिलती रहती है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, ताकि आप पूरा फायदा इससे उठा सकें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें और हमारा भी इससे हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। अब सबसे पहली बात हम करते हैं, फीड को हटाना कब है। फार्मर ये सोच रहा है कि हम जब गर्मी होगी तब फीड हटा देंगे, लेकिन बर्ड तब तक फीड काफी खा चुका होता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, गर्मी का प्रकोप जब बहुत तेज हो जाए उससे पहले ही फीड को हटा लें। तो आप ध्यान रखें कि सुबह 9 से 10 बजे तक आप बर्ड के जो फीडर है उनको ऊंचा कर दें या फार्म से हटा दें। और उसको शुरू कब करना है, शुरू आप करें शाम को 4-5 बजे का जो वक्त है वो बहुत सही टाइम है, तब आप फीड को लगा दें। और इसमें जब आप फीड हटाते हैं तो एक समस्या आने के चांसेस हो जाते हैं, गट की समस्या आने के चांसेस, तो आप उसके लिए पूरी तैयारी रखें। इसमें जो सबसे अच्छे जो एंटीबायोटिक हैं वो जिंक बेसिट्रेसिन है, बेसिट्रेसिन, मिथाइलिन डाइसैलिसाइलेट। ये जो एंटीबायोटिक हैं अगर आप बर्ड को दे रहे हैं तो अंडे में भी इनका असर नाम मात्र या नहीं आता, क्योंकि ये लॉन्ग चेन वाले हैं। इस मुद्दे पर भी हम और वीडियो डालेंगे। और फीड की फार्मुलेशन में आपको क्या चेंजेस करने हैं, फीड की फार्मुलेशन में आपको प्रोटीन 1.5-2% कम कर देना है। क्यों करते हैं इसकी भी हम वीडियो देंगे। और जो गर्मियों में तेल की मात्रा है, जो अच्छे क्वालिटी का जो आप तेल डालते हैं वो 1.5-2% बढ़ा देना है। प्रोटीन कम करना है लेकिन ऑयल को बढ़ा देना है। विटामिन सी, ये आपके फीड के फार्मूले में ज़रूर रहना चाहिए। इसकी डोज हर कंपनी की अलग अलग है। एक चीज़ बहुत सारे फार्मर भूल रहे हैं, वो है एंटीऑक्सीडेंट। और बहुत सारे लेयर फार्मर से हम बात करते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, गर्मी में बर्ड का ऑक्सीडेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं और वो बर्ड को नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपके जो फार्म की प्रोडक्शन है उसको नुकसान हो सकता है। और इसलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे तो आपकी मृत्यु दर फार्म पे बहुत कम हो जाएगी, प्रोडक्शन भी आपकी मेंटेन रहेगी। पानी ठंडा देना है। और बीटेन, ये बीटेन भी गर्मी में बहुत ज़्यादा फायदा देता है, आप इसको भी ऐड जरूर करें। और हर कंपनी की अलग अलग डोज है, आप बीटेन लें और उस डोज के हिसाब से उसको ऐड कर दें। पानी का ध्यान रखें, किसी भी हाल में पानी गर्म नहीं जाना चाहिए, टंकी को अपना ठंडा रखें और पानी के पाइपों को भी इस तरीके से रखें कि उन पर सीधी धूप ना पड़े, ताकि बर्ड को पानी गर्म ना मिले। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और फीड फार्मुलेशन का ध्यान रखते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके फार्म की जो मृत्यु दर है वो बहुत कम होने लगेगी। ये आपको जो चार वीडियो डिस्प्ले पर नजर आ रही हैं, ये भी पोल्ट्री से जुड़ी हुई जानकारियां ही हैं। आप इनको क्लिक करेंगे तो आपको पोल्ट्री की अन्य जानकारियां भी मिल जाएंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।